नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज़। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में ऋण उठाव गति पकड़ रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में नीतिगत दर में कटौती का नीचे तक लाभ और तेजी से पहुंचेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर चिंताएं हैं, साथ ही मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में नरमी देखी गई है। वह यहाँ रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। निदेशक मंडल की इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी थीं। दास ने कहा कि नीतिगत दर में कटौती का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, वह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत दर में कटौती का नीचे तक असर लगातार सुधर रहा है, इसके आगे और बेहतर होने की उम्मीद है। दास ने कहा कि ऋण उठाव की गतिविधियों में गति आई है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में ऋण उठाव की वृद्धि दर बढ़ेगी। शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने शनिवार को कहा कि वे नए नागरिकता कानून को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के लिए बुलाना सरकार का दायित्व है। शाहीन बाग में बीते 2 महीने से संशोधित नागरिकता कानून CAA, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी NRC और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन नेता विहीन है और यह गृह मंत्री पर निर्भर करता है कि वह बातचीत के लिए किन्हें बुलाना चाहते हैं। प्रदर्शन स्थल पर मंच से एक वक्ता ने भी इस संबंध में घोषणा की। शाहीन बाग के आयोजकों में से एक सैयद अहमद तासीर ने कहा कि हम गृह मंत्री से मिलने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे कितने लोगों से मिलना चाहते हैं। मेहरुनिसा ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में संवाद के दौरान अमेरिकी सीनेटर द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत स्वयं यह मुद्दा सुलझा लेगा। सम्मेलन में परिचर्चा के दौरान अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहक ने कश्मीर का संदर्भ देते हुए कहा कि लोकतंत्र का प्रदर्शन करने का सबसे बेहतर तरीका है कि कश्मीर मुद्दे का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान किया जाए। रिपब्लिकन नेता ने कहा कि भारत में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके समक्ष भी समस्याएं हैं जैसे हमारे अपने घरेलू स्तर पर हैं, लेकिन आपने लोकतांत्रिक रास्ता चुना। जब कश्मीर की बात आती है तो मुझे नहीं पता कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि दोनों लोकतंत्र इसे अलग तरीके से समाधान करें। अगर आप अपनी अवधारणा को साबित कर देंगे तो मेरा मानना है कि यह लोकतंत्र दिखाने का बेहतर रास्ता होगा। इस पर जयशंकर ने तुरंत जवाब दिया कि सीनेटर चिंता नहीं करें, एक लोकतंत्र इसका समाधान करेगा और आप जानते हैं कि वह कौन है। परिचर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले आज संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कहीं कम है और इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि रविवार को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे विभिन्न क्षेत्रों से करीब 50 लोग मंच साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि इन 50 लोगों में शिक्षक, बस मार्शल, सिग्नेचर ब्रिज के वास्तुकार और काम के दौरान अपना जीवन गंवाने वाले दमकल कर्मियों के परिवार एवं अन्य शामिल हैं। आपने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 62 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस लगातार दूसरी बार भी खाता नहीं खोल पाई। केजरीवाल रविवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल के खिलाफ विवादास्पद जन सुरक्षा कानून PSA के तहत मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से हिरासत में बंद फैसल के खिलाफ शुक्रवार रात को PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की एहतियातन हिरासत की मियाद खत्म होने से महज कुछ ही घंटे पहले 6 फरवरी की रात को दोनों नेताओं के खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज किया गया। PSA के तहत 2 प्रावधान है, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 6 महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जाता है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।